अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हुसैन असलम, आप लोगों का स्वागत है रिजा किचन में। तो आप लोगों को आज हम स्ट्रॉबेरी केक बना के दिखाएंगे जो है सिंपल सा, क्योंकि हम इस केक का स्पॉन्ज पहले रेडी कर लिया था। अभी हम आप लोगों को खाली डायरेक्टली केक बना के दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्पॉन्ज रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो है वनीला स्पॉन्ज है, तो इसको हम दो लेयर में कट करेंगे निकाल के। तो केक को आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त हुआ है कि नहीं, हमने दो लेयर में ही इसको जो है केक को बनाना है, तो इसीलिए जो है ऊपर का निकाल देना है हमको काट के। तो देख सकते हैं मैंने ये जो है ऊपर का पार्ट निकाल दिया है। और ये हमारा जो वीडियो होने वाला है बहुत सिंपल सा वीडियो होगा केक बनाने का, खाली हम जो लेवलिंग यानी कि आइसिंग क्रीम बस वही दिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए मैं दो लेयर का कट कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पे केक बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। हमने क्रीम को जो भी है पहले से हमने यानी कि व्हिप कर लिया था। अभी हम यहाँ पे शुगर सिरप ले लिया है, उसके बाद डालेंगे हम क्रीम। तो क्रीम को लेके हमको यहाँ पे लेवलिंग कर लेना है। फिर उसके बाद जो है हम स्ट्रॉबेरी केक बना रहे, तो हमको स्ट्रॉबेरी क्रश चाहिए, तो यहाँ पे हम जो है स्ट्रॉबेरी क्रश को डालेंगे। तो हाँ, इस वीडियो में हम भी और भी एक जो है स्ट्रॉबेरी गनाश कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों को हम बताने वाले हैं आगे। तो आप लोग देख सकते हैं यानी कि क्रश को गनाश नहीं बनाना है, क्रश जो होता है स्ट्रॉबेरी का उसको यानी कि एक छोटी सी मिक्सी के जार में उसको मिक्स करना है और उसके साथ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिला देना है, ताकि आपका जो ये क्रश है इतना बड़ा बड़ा है तो ऊपर में जो है बड़ा बड़ा दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो है इसको बहुत यानी कि सिरप की तरह बनाना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा दो लेयर हो चुका है। यहाँ पे आप मैं इसके लिए यहाँ पे जो है शुगर सिरप डाल के डायरेक्ट मैं इसको ऊपर आइसिंग करूँगा, क्रीम का आइसिंग। तो यहाँ पे मैंने क्रीम डाल दिया है पूरा। तो इसके बाद हमको यहाँ पे आइसिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम मतलब आइसिंग जो है वो प्रॉपर चारों तरफ से कर लेना है। अगर नहीं होता है तो हम साइडों से कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो ये ट्रे है बहुत छोटा है, तो इसके हिसाब से जो केक का टिन हो बहुत बड़ा है, तो केक का जो स्पॉन्ज होता है वो बड़ा होता है, तो इसीलिए हमको दिक्कत होता है लेबलिंग करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा आइसिंग। तो आप लोग देख सकते हैं ये आइसिंग हमारा हो चुका है। इसको और थोड़ा सा यानी कि हल्के हाथों से इसको प्लेन कर लेंगे, यानी कि बराबर कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर थोड़ा लेवलिंग हो जाए, और साइड से हम इसको निकाल देंगे काट के। तो इसको हमें जो है वैसे भी काटना ही है, इसका हमको पेस्ट्री बनाना है यानी कि स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री केक। तो आप लोग देख सकते हैं ये हो चुका है हमारा, और थोड़ी देर के लिए हमें जो है इसको फ्रिज में रख देना है, तब तक हम जो है स्ट्रॉबेरी का क्रश को पीस लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक जार लिया है, जार में मैंने डाल दिया है स्ट्रॉबेरी क्रश को, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और डाल के, यानी कि कलर भी है उसमें। तो देख सकते हैं आप लोग बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो अभी हमको केक को लाके इसके ऊपर डाल देना है, और डाल दिया था मैंने, इसमें जो हमारा कैमरा बंद था तो आप लोगों को दिखा नहीं पाए हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है चॉकलेट भी डाला है और थोड़ा सा पिस्ता कलर भी डाल दिया है ऊपर से, और ये देख सकते हैं आप लोग। मैं इसको साइडों से अभी अभी काट लूँगा, क्योंकि अभी जो है मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा है, और डायरेक्टली आप लोगों को मैंने यहाँ पे काट करके बताया है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त हो गया है हमारा स्ट्रॉबेरी केक। तो अभी जो है हम इसको थोड़ी देर बाद जो है इसको कटिंग करेंगे पीसेस के हिसाब से। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 9 पीसेस के हिसाब से कट कर लिया है, और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा क्रीम का रसन जैसा डिज़ाइन कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे पीस लग रहा है हमारा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा रेसिपी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।